हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इमामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ACWorld24। और आज हम गाइस एक दो एसी है हमारे, उनकी अंडरग्राउंड पाइपिंग करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए देखिए, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए गाइस, ये हमारा रूम है एक, और ये काफ़ी बड़ा रूम है। तो इसमें ये देखिए, एक हमारी ये झरी कटी हुई है, ये पानी की पाइप डाल रखी है हमने, समर सेवल वाली 1 इंच की, जो आसानी से इसमें एसी का पाइप घुस जाए। ये इस तरीके से देखिए, टेपर में लेके ऊपर से, और ये इस तरीके से गई, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये डाउन करती है। तो ये यहाँ से लेके इस तरीके से ये यहाँ वॉश प्रेशन लगेगा, तो इसमें ये हमने पाइप ज्वाइंट कर दिया, तो एसी का ड्रेन जो है इसमें पानी अच्छे से निकलता रहे। और एसी की कॉपर पाइप के लिए देखिए, ये हमने 3 इंची का पाइप डालवाया है। ये देखिए दीवार में ये एल्बो लगी है, ये एल्बो हटा देंगे, ये जो काट रखी निशान लगा है यहाँ से काट के इस तरीके से ये झरी में यहाँ से पाइप, कॉपर पाइप हमारी यहाँ तक दब जाएगी, और ये ऊपर पावर पॉइंट बन जाएगा, इसमें से वायर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे इंडोर में। और एक दूसरे वाले रूम के लिए ये सीधा पाइप नीचे गया है, इसमें भी एक एसी की दूसरे की कॉपर पाइप डालनी है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे रूम में नीचे की तरफ। ये यहाँ पे हमारा देखिए टूल बैग रखा हुआ है, ये देखिए कॉपर पाइप हमारी रखी हुई है, अलग अलग हम पहले से ही हमने नाप के काट के रखी है। तो ये देखिए सेम लोकेशन, उसी तरीके से जैसे ऊपर है वैसी सेम ये भी 3 इंच का पाइप यहाँ तक छोड़ रखा है। तो ये एल्बो है, इसमें पाइप अच्छे से मुड़ेगी नहीं, तो इसे हम निकाल देंगे, बाद में डाल देंगे इसे पाइप में से। इसकी भी लगभग वही 3-3.5 फीट तक यहाँ तक झिरी कटी हुई है, और सेम ड्रेन का पाइप भी इस तरीके से ये ज्वाइंट कर रखा है, ये डाउन करके यहाँ से टेपर में ले रखा है। ये देखिए यहाँ तक ये सब नीचे को जाके बिल्कुल, और इस तरीके से यहाँ पे ये वॉश प्रेशन का पॉइंट बना हुआ है। ये देखिए इसमें ड्रेन हमारा पानी अच्छे से निकलता रहेगा, इसमें कोई ब्लॉकेज भी नहीं आएगी। अब ये पाइप उठा लेते हैं और हम चलते हैं ऊपर छत पे। तो ये जो है ऊपर से पाइप बनाएंगे, ऊपर से डालेंगे, अच्छे से पड़ जाएगी। चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए 3 इंची का जो पाइप पड़ा हुआ है नीचे से, ये सबसे टॉप फ्लोर पे हम आ गए हैं, ये सबसे टॉप फ्लोर पे आ गए हम। ये देखिए, तो ये जो हमारा 3 इंची का पाइप, यहाँ से हमें पाइप डालनी है। एक हमारा देखिए एसी यहाँ से पाइप ऊपर निकालेगा, और एक यहाँ पे लगेगा एसी, और दूसरा एसी ये जो पिलर है इसके साइड में, ये केबिन इन्होंने बना रखा है, एक यहाँ पे लग जाएगा। तो इसमें 2 एसी की पाइप डालनी है। तो ये देखिए पाइप खोलने लगे, ये हमारा सारा सामान, ये वायर, ये कॉपर पाइप आपको चाहिए, और ये हमारी पूरी टोटल इंसुलेशन फॉर्म, ये सारी इकट्ठी है, एक एक करके पाइप बनाएंगे, इनका रोल खोलेंगे। ये पाइप रोल हम इसे इस तरीके से इसे खोलेंगे पैर से दबा के, ये हमारा 21 फुट का रोल है। ये आ गया क्वार्टर का पाइप, थोड़े देर अब इस पे चढ़ाएंगे इंसुलेशन फॉर्म, ये हाफ के पाइप पे, हाफ की जो कॉपर पाइप है इस पे हाफ की इंसुलेशन चढ़ाएंगे। ये हमारी जो है हाफ की इंसुलेशन, ये 6 फीट की एक होती है, ये इस तरीके से इसे आगे बढ़ाएंगे। एक सिरे पे हल्की सी टेप लगा लेंगे, क्योंकि इस पे वो नहीं थी प्लास्टिक की कैप आती है, वो इस पे थी नहीं। एक इंसुलेशन चढ़ चुकी है, अब दूसरी चढ़ाएंगे।
ये देखिए हाफ की पाइप पे हमारी इंसुलेशन चढ़ चुकी है, और अब ये क्वार्टर वाली पाइप है हमारी, इस पे इंसुलेशन चढ़ाएंगे। ये सामने टेप लगा देंगे क्योंकि इसमें कैप नहीं है, इस वजह से। ये देखिए ये क्वार्टर की भी पाइप पे इंसुलेशन हमने चढ़ा दी है। अब इसे हम इसके साथ में ये वायर है, जो ये वायर जो हम डालेंगे इसमें, ये 4 कोर वायर है क्योंकि आजकल इन्वर्टर एसी का ज़माना है, तो ये 4 कोर वायर डालेंगे इसमें। इन्वर्टर एसी भी लग जाएगा और दूसरा नॉर्मल भी, तो इसके साथ में वायर अटैच करके अब हम करेंगे इस पर टेपिंग। ये देखिए ये हमारी दोनों कॉपर पाइप हो गई, इस पर इंसुलेशन चढ़ गई, ये साथ में वायर। अब इस पर करेंगे हम टेपिंग। ये देखिए इस तरीके से टेपिंग लगाएंगे, ये दोनों कॉपर पाइप और ये वायर एक साथ में। इस तरीके से हम पूरी पाइप पर टेपिंग करेंगे। ये देखिए गाइस हमारी पाइप पर टेपिंग हो चुकी है, ये हमारी पाइप रेडी हो गई है। ये देखिए अब इस पर वायर जो है लगभग हम 2 फीट एक्स्ट्रा वायर रखेंगे ऊपर कनेक्शन करने के लिए आउटडोर में। चलिए अब हम इस वायर को यहाँ से काट देंगे थोड़ा 2 फीट छोड़ के, अब इस पर इस पाइप में हम डालेंगे इसे। ये फ्रेंड एक पाइप हमारी बन चुकी है, अब ये दूसरी पाइप का रोल है, ये 12 फीट का है, ये दूसरे एसी के लिए, तो इसे भी हम खोल लेंगे एक साथ, पाइप दोनों बना लेंगे उसके बाद ही डालेंगे क्योंकि एक ही पाइप में दोनों डाल लिए हैं। इस तरीके से रोल को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, एक जगह दबा लेंगे और इस तरीके से आसानी से इसे खोलते जाएंगे। ये देखिए हमारा ये खुल गया, 12 फीट का रोल था ये, ये हाफ का खोल लिया। अब ये क्वार्टर का पाइप है, इसे भी खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों पाइप खुल चुकी है, अब इस पे भी इंसुलेशन फॉर्म चढ़ाएंगे। ये देखिए गाइस इन हमारी दोनों पाइपों पे, इन पे भी इंसुलेशन चढ़ चुकी है, अब इस पे भी हम टेपिंग करेंगे। ये दोनों पाइप हमारी कॉपर पाइप पे इंसुलेशन चढ़ चुकी है, और ये साथ में ये 4 कोर वायर, अब इसके साथ में टेपिंग करेंगे। ये दोनों पाइपों पे हमारी टेपिंग हो चुकी है, इस बार बड़ी वाली पाइप को सबसे पहले हम डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें हम डालेंगे, पीछे पकड़नी होगी पाइप। ये इस तरीके से देखिए धीरे धीरे अंदर कर देंगे पाइप। अब देखिए अब हम जाते हैं नीचे, अब नीचे वो एल्बो लगी हुई है वो निकाल के अब उस पाइप को झरी में सेट करेंगे। देखिए ये पाइप हमारी आ गई है, अब उसे हम
ये हमारी पाइप देखिए पड़ चुकी है इस पर, तो हमने क्लैंप भी लगा दी है। अब हम दूसरे एसी की पाइप डालेंगे। ये एक एसी की पाइप हमारी पड़ चुकी है, अब ये दूसरे एसी की पाइप इसमें डालेंगे। ये हमारी पाइप कंप्लीट हो चुकी है, पाइप हमारी पड़ चुकी है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं नीचे। ये देखिए नीचे, यहाँ से हमने ये जो एल्बो लगी थी इसे काट के ये पाइप इस तरीके से यहाँ से निकाल के और ये जरी में दबा दिया, इसमें क्लैंप लगा दिया और ये वायर लटक रही है, इसे भी हम टेप लगा देंगे फोल्ड करके। आप लोगों को दिखाते हैं अब नीचे वाली दूसरी वाली पाइप। ये देखिए गाइस, ये दूसरे वाले एसी की पाइप है। इस तरीके से हमने यहाँ से नीचे, इन्होंने इसमें भी एल्बो लगा रखी थी, वो एल्बो तोड़ दी और एल्बो तोड़ के ये देखिए ये झिरी काटी है। इस झिरी के अंदर ये पाइप हमने डाल दी है, ये हमारा पानी का पाइप हो गया। अब ये वायर लटक रही है, इसे भी फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए पाइप को फोल्ड कर दिया है, तो ये हमारी दोनों एसी की पाइप कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में।